तो सारे भाई मेरी राम राम भाई और मेरा नाम विक्रम और आप इस शो जो देखना शुरू कर चुके हो जागरण टीवी और आप सभी का स्वागत है। तो जी दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, एक अपने भाई है प्रिंस जो अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपको उसके बारे में बता दूं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे, तो मैं अब उसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ आपके बीच में। उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों, अभी जो बड़ौदा में उपचुनाव होने वाले हैं उनका सर्वे करते हैं और काफ़ी अच्छी जो आजकल में चल रही है मार्केट में, और बाइस बात करना चाहेंगे और कैसे उनका सड़क जो कैसे उनका सफ़र रहा और क्या कुछ, तो हम जान लेते हैं भाई प्रिंस से और कर लेते हैं बात। तो भाई से कर लेते हैं भाई, और यहाँ पर जो मैं आज गुजर रहा हूँ तो वीडियो शूट कर रहे थे भाई। राम प्रिंस, राम राम भाई साहब। अच्छा, आप मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे, क्या कुछ भाई? यह समस्या थी एक जो कि मैंने देखी, मैं जा रहा था इब जाडोली, यो गांव था एक सफ़ेद धोलके में, और डिडवाड़ा गांव था। तो उस गांव में जो लड़कियाँ की आपने सुनी होगी एक, तो मैं उड़े कवरेज करके आया था भाई। और उसके बाद यार मैं जा रहा था इस रास्ते पर, तो एक किसाना के बारे में समस्या थी या तो दिखा है भाई सब ने, बाकी प्रशासन ने नहीं दिख रही होगी, अगर दिख रही है तो अनदेखा कर रही किसी ने किसी। तो इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, वो आ जाएगी अपने चैनल पर। चलो तो बात ठीक है, और ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि दूर तक पड़े हैं, दिखाइए भाई एक मिनट मैं देख सको। आप भी वैसे जैसे ही बोल रहे हैं प्रिंस से कि भाई जो यार सफेदे पड़ रहे हैं, लेकिन जो बीच की सड़क है तो खाली कर रखी है, और जो आप इधर साइड देखोगे ना तो इधर साइड भी जो खेतों में जो सफेदे पड़े हैं और जो किसानों का काफ़ी भाई नुकसान भी हो रहा है, जो जीरिया ख़राब हो रही है भाई। सही कह रहे हैं बात प्रिंस। अच्छा प्रिंस भाई, तो वहाँ पे गए क्या कुछ बोल रहा भाई? माहौल तो देखो, घटना थी जो वह बहुत दुख की घटना है, और बाकी वीडियो में आप देख सको जो कि दुख झलक रहा था। मैं जानकारी लेके आया था उड़े टाइम, तो उसके बाद मैंने वीडियो बना दी थी, बाकी देख लियो आप वीडियो में, बहुत बढ़िया दिखेगा आपने। और जो कि लड़कियां की घटना हुई थी, मौत की घटना थी, तो उड़े ज़्यादा जो सवाल जवाब करने का था नहीं, मैंने लग गया नहीं था ठीक, क्योंकि भाई और ज़्यादा सवाल जवाब करे जाए, तो मैंने थोड़े सवाल जवाब करे थे। तो प्रिंस भाई, जो आपका चैनल जो मोनेटाइज हो चुका है उसके लिए तो मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं कामना करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका भी हो। धन्यवाद भाई। अच्छा, आप ये बताए कितनी मेहनत कुछ आपने करनी पड़ी और कितने दिनों में जो आपका जो चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके बारे में दर्शकों को बताए, क्योंकि जो भी यूट्यूबर है थोड़ा उनका भी असला बढ़े और मैं भी अपना आगे जो काम करते रहे। भाई मेहनत तो देखो अपने ऊपर है यार, पर मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के जो 6-7 या फिर आप बोल सकते हो 4 से 6 जो महीने होते हैं उसमें भाई पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको सक्सेस जरूर मिलती है भाई। तो मेरा चैनल मोनेटाइजेशन मेरे चैनल की ऑन हो गई थी 4-5 महीनों के अंदर हो गई थी मेरी, तो क्योंकि मैंने बीच में काम छोड़ दिया था, मैंने स्टार्ट किया था नवंबर में चैनल, तो मैंने बहुत पहले बना दिया था, 9th या 10th क्लास में बना दिया था मैंने, 9th के लास्ट में या फिर 10th की स्टार्टिंग में, ये मेरे को ध्यान नहीं। तो फिर उसके बाद चैनल मैंने बना दिया था, तो अभी काम करना स्टार्ट किया था मैंने नवंबर के लास्ट में। तो फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था काम, दो महीने मैंने थोड़ा मैं बिजी था तो काम छोड़ दिया था। उसके बाद फिर स्टार्ट किया मैंने, तो फिर अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को, वीडियोज़ भी वायरल होगी मेरी और फिर चैनल मोनेटाइजेशन। अच्छा, जो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आप बड़ौदा हल्के में संजय वाटिका जो करनाल से हैं, तो उसमें आपने बता दिया आप 17 साल के हुए हो अभी तक, ये सही है बात? मैं ना 17 का नहीं बताया था मैंने, उसमें बताया था कि मैं 19 साल का हो गया। अच्छा, 19 साल का हो गया, तो भाई साहब कोई मेरे अंदर ही कमी है जो? ना कमी नहीं भाई, हो जाती है सबसे यार, मेरे से भी हो जाती है। चलो फिर आगे क्या, जो आपका आगे टारगेट क्या है उसके बारे में? आगे का टारगेट भाई मैं तो यही चाहूँगा कि भाई चैनल अच्छा ग्रो करे, और बाकी आपका भी बहुत ग्रो करे चैनल, और बाकी जितने भी नए यूट्यूबर आना चाहते हैं भाई, मेहनत करनी पड़ती है सबको, और भाई लगे रहो, सक्सेस मिलेगी एक दिन, ज़रूर मिलेगी भाई। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? श्रेय तो भाई इसका मैं एक तो अपने घर वालों को देना चाहूँगा, और जो मेरे साथी हैं उनको देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ साथ काम किया है जी। तो लास्ट में जो नए यूट्यूबर है, आप उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? संदेश भाई ये कि अपना जो कंटेंट रखा करो, ये नहीं है कि भाई कहीं देखे होंगे आपने, एक दो केस में हो जाता है कि किसी की वीडियो उठा लोगे आप और वो उसके बाद पोस्ट कर देते, एक दो हो भी जाती है वायरल, बाकी नहीं भी होती, तो अपना कंटेंट रखो, सक्सेस बहुत जल्द मिलेगी। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे कि आप तो जो उपचुनाव जो आने चल रहा है बड़ौदा का में जो उपचुनाव चला हुआ है, और आपको उस साइड में किसका कुछ किस ज्यादा जोर आपको लग रहा है? जोर भाई, क्योंकि आप तो वहाँ सर्वे कर रहे हो। सर्वे तो देखो भाई मैंने पूरे हल्के का कर दिया एक बार, तो और फिर मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं गठबंधन में और कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सा कम्पिटिशन दिख रहा है, और बाकी अभी आने वाला जो टाइम है वो बता देगा, और बाकी दोबारा सर्वे करूंगा मैं, उसके हिसाब से पता लग जाएगा। प्रिंस एक बात मैं पूछूं, जैसे कि आप जिस वक्त आप सर्वे करते हो ना,
ज़्यादातर जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के ज़्यादातर वोटर वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो भाई, बात ये तो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठीक भी है और गलत भी है, क्योंकि एक माहौल सा होता है जो गांव है अपना बरोदा हल्का, बिल्कुल सारे गांव है उसके अंदर, क्योंकि शहर नहीं लगता बरोदा में, और बरोदा में शहर नहीं लगता, तो जो ग्रामीण हल्का था उसमें एक तो धुन से भी बना देती है पब्लिक, जैसे अभी 5-7 खड़े होंगे, एक ने बीजेपी बोल दिया तो सारे बीजेपी बोलेंगे, और एक ने अगर कांग्रेस बोल दिया तो सारे के सारे कांग्रेस बोलेंगे। होता है एक दो केस में कि कहीं ना कहीं बोल देते कि दूसरे की, भाई अगर एक ने बीजेपी बोल दिया तो रेयर चांस है कि वो कांग्रेस बोल दे या फिर INLD बोल दे, JJP बोल दे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी ये फाइनल नहीं है। बाकी जनता का मूड है, और बाकी बीजेपी जो पार्टी है वो अभी वहाँ पे काम करवाने लग रही है, शायद उसका कुछ ना कुछ फल मिल जाए उनको। बाकी जो हुड्डा साहब का कांग्रेस का भी गढ़ है, और उससे पहले 2005 तक ताऊ देवीलाल का भी गढ़ रहा है, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। धन्यवाद भाई प्रिंस। तो दोस्तों, मैं आपको बता दिए थे प्रिंस जो कि विरोधा हल्के का जो वहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसके बारे में बताया, और कैसे इनका जो जिस वक्त चैनल बना था तो कैसे इनका सफ़र रहा, तो उन्होंने सब आपके बीच में बात की और बताया अपने जीवन के बारे में। तो जी दोस्तों, आपकी वीडियो कैसी ली लगी तो आप कमेंट में बताएं। तो हम फिर मिलेंगे नए रुख साथ, तब तक के लिए दिया जाए तो मुझे जय हिंद जय भारत।